देहरादून में स्मार्ट सिटी के काम से लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। शहर में जगह जगह सड़कें खुदी हैं, जिससे लोगों को हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून के पल्टन बाजार में भी स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहे हैं, लेकिन काम पर सवाल उठ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुए हैं, पल्टन बाजार स्मार्ट नहीं बदसूरत हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि जब से पल्टन बाजार में काम हुआ, तब से बाजार की हालत खराब हो गई। बहुत उम्मीदें थी कि ये इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो कि एक पीएम का प्रोजेक्ट है, उनका एक मतलब कहना चाहिए कि उनका ब्रेन चाइल्ड भी है और उनका एक पर्सनल उसमें इंटरेस्ट है, तो वो सेंटर से ही गवर्न होता है। बट जो उसके बाद, ये तो प्लानिंग तो ठो गई, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है वो तो बहुत पुअर है, वर्कमैनशिप बहुत ही घटिया है। तो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट आना चाहिए इस पैसे के खर्च होने पे, ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा। स्मार्ट सिटी का विषय परसों मैंने बैठक ली थी, ये विषय मेरा शहरी विकास से संबंधित है और मैंने ये भी कहा था कि चूँकि उस दिन 3.5 घंटा बैठक चली थी और उसमें अलग से स्मार्ट सिटी वाले विषय पे भी मैं एक बैठक करूँगा और फिजिकली भी मुझे कहीं जाना पड़े तो मैं देखूँगा, और किसी किस्म की उस दिन भी मैंने यही बात की थी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क की कटिंग का काम चल रहा है, इससे निकलने वाला मलबा अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है। नदी के किनारे जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं। नदी में मलबा फेंके जाने से नदी के घाट और पैदल रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो आप देखिए, मलबा नदी में डाला जा रहा है और ये आने वाले वक्त में भारी तबाही का सबब भी बन सकता है। तो बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीरें हैं, सड़क पर कटिंग का काम चल रहा है लेकिन मलबे का जो प्रबंधन है उसमें लापरवाही बढ़ती जा रही है। पूरे एनएच में ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक ये बिना डंपिंग जोन के माल को नदी किनारे नदी में डाल रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोगों के अपने जो खेत और खलिहान भी थे वो भी बर्बाद हो चुके हैं। कई लोगों के हमने देखा, जैसे कि शिवप्रेम आगे तुम्हारे शिवनंदी में, वहाँ पे लोगों के अपने पुराने पैतृक जमीन भी थी, लेकिन उन लोगों ने बिना पूछे वहाँ भी उनको नुकसान करने पर बहुत। पौड़ी पहुंची स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना, मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। दरअसल अस्पताल के पीपीपी मोड में जाने के बाद मरीज लगातार शिकायत कर रहे थे और उसी का जायजा लेने के लिए पहुंचे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण में काम कर रहे मजदूरों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि उनसे मनमाने तरीके से काम करवाया जा रहा है, न किसी त्योहार पर छुट्टी मिलती है और न ही जरूरत के समय। साथ ही ओवर टाइम करवाया जाता है लेकिन उसका पैसा भी नहीं मिलता। सबसे पहली मांग यही है कि उनकी बहाली की जाए। दूसरा कानून में है कि 70% लोकल लगाए जाएंगे, जबकि यहाँ पे एक एक करके विदाउट रीजन निकाले जा रहे हैं। बकायदा हमें पुलिस स्टेशन में भी गए थे, हमने इस बारे में खुल के वार्ता की, हमें आश्वासन दिया गया, घर की नौकरी वगैरह कहीं भी कुछ बोला गया कि हम कुछ करेंगे, और ऑफर दिए गए कि 2-5 हज़ार ज़्यादा लेके बाहर चले जाओ। जब हमारे घर के पास काम है, हमारा कोई गलती नहीं है, कोई रीज़न नहीं बताया जाता, इसके बावजूद भी प्रशासन कोई साथ देने को तैयार।